हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। कल हमने एक मेथड कर लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फर्स्ट टर्म प्रॉपर्टी आ गई थी। कौन सी आई थी? SN रिएक्शंस। इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे, SN1 एंड SN2। उससे पहले हम आज स्टडी करते हैं हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, या इसको हम सेकेंडली क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होती है ये, आपको नाम से पता लग रहा होगा। हमारे पास देखिए, कोई भी हैलाइड दे रखा है अल्काइल, हमारे पास उसको हमने ट्रीट किया एल्कोहलिक केवच। हमारे पास इसको थोड़ा ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पे एल्कोहलिक केवच या कंसनट्रेट केवच। हमारे पास पीछे हमने एक रिएक्शन की थी, वहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या आया था, एक्वस आया था। तो एक्वस केवच जहाँ लगता है वहाँ सिंपली क्या करना है, आपको हैलोजन को सिंपल OH से रिप्लेस करना है। हमारे पास मान लो सिंपल सा क्वेश्चन कोई भी आ गया, मैंने अगर यहाँ पे लगा दिया आर, इसको ऐसे लगा लो आप CH3Cl प्लस एक्वस KOH, तो कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, CH3OH प्लस में क्या निकल जाएगा यहाँ से, KCl। ये केस है एक्वस का। लेकिन जहाँ हमारे पास क्या आएगा, एल्कोहलिक आएगा या कंसनट्रेट आएगा, वहाँ हमें क्या करवानी है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वो भी कहाँ से, बीटा से। या इसको हम क्या बोलते हैं, देखो डी मतलब क्या होता है, निकालना, हाइड्रो मतलब क्या निकालना है, एच निकालना है, और साथ में क्या निकालना है, मतलब हमें एच एक्स निकालना है, और वो कहाँ से निकालना है, बीटा पोजीशन से निकालना है। इसको हम एग्जांपल समझेंगे क्या होता है ये। तो क्या बोल दिया, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड द हैलोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन टेक प्लेस। तो हमारे पास वहाँ से क्या मिलेगी आपको, एल्कीन मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल समझिए हमारे पास बेसिक सा, मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लिया आपके पास, CH3CH2CH2Br, साथ में अपने डाल दिया इसमें एल्कोहलिक केवच। तो आपको पता है एल्कोहलिक जहाँ केवच आएगा वहाँ हमें लिखना पड़ेगा अल्फा बीटा। जहाँ Br लगा हुआ है उससे अगला कार्बन अल्फा, उससे अगला हमारे पास क्या हो गया, बीटा। तो क्या बताया हमारे पास, यहाँ से तो हमें निकालना है H, और यहाँ से क्या निकालना है, Br। निकालो क्या बचेगा, CH3 सेम रहेगा, यहाँ से H निकाल दिया, CH आ गया, यहाँ से Br निकाल दिया, क्या बचेगा, डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास ऐसे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगी, एल्कीन। सेम अगला हमारे पास ऐसे केस है अल्फा बीटा, यहाँ से क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड लग जाएगा सिंपल। ये वाला केस देखो हमारे पास, यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। मान लो मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, CH3CH2CHCl CH3, इसमें डाल दिया आपने एल्कोहलिक केवच। अब देखो हमारे पास यहाँ Cl लगा हुआ है, तो हमारे पास इस Cl के लिए क्या है, ये हमारे पास अल्फा हो गया, तो बीटा कौन सा होता है उससे अगला, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चॉइस हैं, मैं एच यहाँ से भी निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो एच हमें कहाँ से निकालना है, उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेड्स ऑफ रूल बोलते हैं। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो क्या बोलता है रूल हमारे पास, कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन मोर देन वन बीटा कार्बन इज प्रेजेंट देन एलिमिनेशन तो होगा टेक प्लेस फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ एच एटम्स। जहाँ पे एच कम है वहाँ से हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है। हमारे पास अब देखो इस एग्जाम्पल को हम दोबारा करते हैं, हमारे पास सही वही एग्जाम्पल सेम आ जाए, हमारे पास ये एग्जाम्पल दूसरा आ गया। यहाँ क्या है, ये अल्फा है, इसके लिए हमारे पास क्या हो गया, ये बीटा और ये बीटा हमारे पास। तो हम कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, मैंने क्या बोला, वहाँ से निकालेंगे जहाँ से एच हमारे पास क्या बचेंगे, कम बचेंगे। तो हमारे पास क्या केस बनेगा, कैसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है इसका, देखो हमारे पास सिंपली है CH3CH2 सेम, यहाँ पे H एक था, यहाँ पे H दो है, तो कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पे कम है, तो क्या बच जाएगा, खाली C बचेगा, CH3 सेम है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से क्या निकल गया, Br चला गया, बाकी CH2 सेम, CH3 सेम। कुछ भी नहीं करना, ये सिंपल सा काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हमारे पास, जिनको आपको ध्यान रखना है। हमारे पास जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ हमारे पास दो तरह के बीटा कार्बन आ जाएंगे वहाँ एलिमिनेशन तो होगा, लेकिन हमारे पास कैसे करना है आपको, एच वहाँ से निकालना है जहाँ पे एच पहले ही क्या है, कम है। तो ये सबको अच्छे से ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, NCERT मिल जाएंगे आपको। थर्ड देखो हमारे पास, थर्ड क्या, रिडक्शन। रिडक्शन आप जानते हो हमारे पास क्या होता है, सिंपली एडिशन ऑफ H2 को बोलते हैं। हमने क्या किया, सब में एडिशन ऑफ H2 ही किया हुआ है। तो क्या बोल दिया, कोई भी हैलाइड दे रखा है उसको हमें रिड्यूस करना है विद हाइड्रोजन इस द प्रेजेंस ऑफ, हमें निकल के लिए यहाँ पे कोई भी होने कैटलिस्ट ले लिया, क्या मिलना है आपको, एल्केन मिलना है। तो कुछ भी नहीं है, RX+H2 हमारे पास। तो मैं क्या किया, एक एच यहाँ से निकाला, HX निकाल देंगे, आगे क्या लग जाएगा, एच क्या बन जाएगा, सिंपल एल्केन। एग्जाम्पल देख लो हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है प्रोपाइल ब्रोमाइड, H2 डाल दिया, HBr निकाल दो, क्या बन जाएगा, सिंपल एल्केन बन जाएगा।
आयोडीन वाले बनाने हमारे पास हाइड एल्केन्स आर रिड्यूस्ड विद द एच आई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस। हमारे पास एच आई डाल दिया क्योंकि हमारे पास क्या होता है अच्छा रिडक्शन पहले भी आ चुका है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस। क्या करना है हमारे पास सिंपली है यहाँ से क्या होगा दोनों आई निकल जाएंगे आई टू की फॉर्म में हमारे पास क्या बन जाएगा आर एच बन जाएगा। तो हमारे पास ये कौन सा केस हमारे पास थर्ड इसको हम क्या बोलते हैं रिडक्शन। फोर्थ हमारे पास क्या आ रहा है रिडक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल हम किसको बोलते हैं मोस्टली हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और सेकंड जो मेटल्स आते हैं लिथियम हो गया हमारे पास मैग्नीशियम हो गया इनको हम क्या बोलते हैं एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। हमारे पास मोस्टली हम इसमें यूज करते हैं मैग्नीशियम। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है रिडक्शन विद मैग्नीशियम मेटल हमारे पास। तो आपने नाम भी सुना होगा इग्नाइट रिएजेंट वो यहीं से आता है आपके पास। क्या बोल दिया एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म इग्नाइट रिएजेंट। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हमारे पास यहाँ पे बोर्ड लाइन है शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। मतलब क्या हो गया आर एक्स था हेलाइड हमारे पास एम जी डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्यों ताकि हमें वहां पे क्या हो एनहाइड्रस कंडीशन मिले हमारे पास कुछ मॉइस्चर वगैरह हो उसको क्या कर रही है एब्जॉर्ब कर ले। हमारे पास क्या होंगे सिंपली जुड़ जाएंगे आर एम जी जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं हमारे पास। क्लियर इतनी बात आगे देखिए हमारे पास हमने क्या किया बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। हम इसको एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखते हैं क्यों अगर जैसे इसको वाटर मिला हमारे पास ये वाटर से कंबाइन करके वापस क्या बना देगा आपके पास आर एच ही बना देगा। मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था एल्केन से हम वहीं पहुंच जाएंगे तो हमें इसको स्टॉप करना है इसलिए हम क्या करते हैं इसको एनहाइड्रस कंडीशन में लेके चलते हैं। वाटर हमारे पास किस में जाएगा एच और ओ एच में टूटेगा एच ले जाएगा आर एम जी एक्स क्या ले जाएगा ओ एच हमारे पास। इसलिए हम क्या करते हैं इसको एनहाइड्रस कंडीशन में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर हमारे पास नेम रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको वुड्स रिएक्शन हमारे पास 11th क्लास में भी आ चुकी है। बहुत सिंपल है कुछ भी नहीं करना एल्काइल हैलाइड दे रखा है हमने किससे रिएक्शन कराई इसकी सोडियम मेटल से वहां से हमें क्या मिलेगा इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाला एल्केन मिलेगा इसको हम क्या बोल सकते हैं सिमेट्रिकल एल्केन भी बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना आर एक्स लिया दो एन ए लिए आर एक्स दो एन ए एक्स निकाल दो आर आर हमारे पास क्या बन जाएगी एल्केन। इससे क्या बनती है हमारे पास सिमेट्रिकल बनती है हमारे पास। जैसे मैंने क्या ले लिया ये ग्रुप लिया दो एन ए लगाए ये यहाँ पे दो है इसको मैंने दो बार लिख दिया नीचे क्या कर निकालना है आपको दो एन ए बी आर निकाल दो दोनों जुड़ जाएंगे सिंपल इसको हम क्या बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। एक हमारे पास और लिखा हुआ है ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन इनको पढ़ लेते हैं कुछ नहीं है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है व्हेन एल्काइल हैलाइड सच एज इथाइल क्लोराइड हमारे पास दे दिया CH3CH2Cl उसको हम रिएक्शन करवाते हैं NaPb सोडियम लेड अलॉय के साथ तो वहां से हमें क्या मिलता है TeL मिलता है टेट्रा इथाइल लेड जिसको हम क्या बोलते हैं एक अच्छा एंटी नोकिंग एजेंट भी बोलते हैं। कुछ भी नहीं करना सिंपली दोनों को ऐड करना है आपको पता है पीबी आता है कार्बन फैमिली में चार बैलेंसी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे चार लगाना पड़ेगा तो चार हमारे पास क्या हो जाएंगे एन ए सी इसको बैलेंस कर लेना यहाँ चार हमारे पास आ जाएगा और ठीक है हमारे पास यहाँ चार लगा देना बाकी हमारे पास ये बैलेंस हो नहीं हो कोई इशू है इसका चल जाता है हमारे पास इतना ठीक है हमारे पास चार एन ए अगर यहाँ लगाएंगे हमारे पास पीबी को बैलेंस करना पड़ेगा ठीक है। अगले हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी जो हमारे पास कुछ पीछे हम छोड़ाए जैसे एसएन के बारे में रिएक्शंस हमारे पास क्या है जो एसएन रिएक्शंस होती हैं हमारे पास उसमें क्या आता है एसएन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास एसएन वन की बात कर रहे हैं हमारे पास कैसी है ये यूनिमोलर वन स्टैंड्स फॉर यूनिमोलर हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कोई भी हमारे पास हेलो एल्केन दे रखा है एक्वस के ओएच डाल दिया जहां बी आर लगा हुआ वहां क्या लग जाएगा ओएच साथ में क्या निकल जाएगा के बी आर हमारे पास। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो दो स्टेप में चलता है फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा जनरेशन ऑफ कार्बो का टाइम तो हमारे पास क्या है यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है टर्शरी कार्बो का टाइम। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है यहाँ हमने डाला था एक्वस के ओएच तो यहाँ से क्या निकल के आएगा ओएच माइनस आयन। अब ओएच माइनस के आयन के यहाँ पे दो चांस है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है हमारे पास फ्रंट में भी लग सकता है बैक में भी दोनों हमारे पास किस में आएंगे 1:1 के रेशियो में जिसको हम क्या बोलते हैं इक्विमोलर रेशियो। अब यहाँ हमारे पास क्या होता है जो फर्स्ट स्टेप होता है इसका वो हमारे पास क्या होता है स्लो स्टेप होता है तुम्हारे पास जो रेट इसका डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करता है स्लो स्टेप हमारे पास ये स्टेप क्या है इसका स्लो है कैसा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास। तो क्या आ गया रेट डिपेंड करता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड पे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको यूनिमोलिकुलर बोल दिया। इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पीछे के लेक्चर्स देखते रहना और साथ साथ इसके एनसीईआरटी करते रहो। स्टे ब्लेस्ड स्टे एट होम टेक केयर बाय।